आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं धीरज, मैं आप लोगों के साथ फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज इस वीडियो में हम श्री दीदी नहरिका जी के माध्यम से जानने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं का हल पाने वाले। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तो ही आप लोग को समझ आने वाली है। एक और बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक आईडी को फॉलो नहीं किया अभी तक, तो प्लीज जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को जाएंगे, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करता हूँ, उस प्रकार से आप लोग का भी चर्चा सफल हो। तो चलिए वीडियो को चलते हैं। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। मैं निहारिका आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आई हूँ, जिसके माध्यम से हमारे वैसे गुरु भाई गुरु बहन जो साहब या मोनू भैया द्वारा लिखित आलेखों को समयाभाव या अशिक्षित होने के कारण पढ़ नहीं सकते, वे इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें, इसके लिए एक प्रयास। जिज्ञासक है, आध्यात्मिक आह्लाद ने अध्यात्म में आ गई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने की अंतः प्रेरणा जगाई, और इस जिज्ञासा पर साहब की व्याख्या। यह पंक्ति हमारे गुरु शिव शिष्यानुभूति की है। इस पुस्तक के नाम से ही यह प्रकट होता है कि पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति के गुरु भगवान शिव हैं, और शिव के शिष्यता के कारण उस व्यक्ति के मन में एक आध्यात्मिक आह्लाद जागा एवं उनकी दृष्टि में लगा कि आज के परिवेश में अध्यात्म लगभग समाप्ति की स्थिति में है। आईने पर परत दर परत धूल जमती चली गई। शिष्यानुभूति मैंने लिखी है। आपकी जिज्ञासा के उत्तर के लिए कुछ अनकही सच्ची कहानियों की आवश्यकता है। मेरे पिताजी बिहार सरकार के एक उच्च पदाधिकारी थे, नतीजन लौकिक कष्ट मुझको नहीं थे। एक सामान्य खाते पीते परिवार में मेरा जन्म हुआ था। कुछ अनजाने कारणों से जादू टोना, चमत्कार एवं दैवी शक्तियों को जानने और पाने की बचपन से ही इच्छा जगी। इसी खोज और चाहत में मैं बढ़ता चला गया। दिन में योग की साधना और रात में शमशान की साधना, तरह तरह के साधुओं, योगियों, ऑगरों के सानिध्य में चलती रही। मैं किसी लौकिक लालच में दैवी शक्तियों को पाना नहीं चाहता था, बल्कि वास्तव में यह मेरा शौक था। मैंने बहुत निष्ठा से सीखना चाहा और इस क्षेत्र के सभी लोगों के प्रति मेरे मन में हार्दिक सम्मान था। एक बच्चे की तरह समुद्र के किनारे रेत से घर बनाता, लेकिन कुछ दिनों में रेत का वह घर धाराशायी हो जाता। 14 साल के अथक परिश्रम के बाद मुझको लगने लगा कि कमल के फूल तो कहीं नहीं मिले, अपितु मैं तथा कथित पूजा पाठ के दलदल में फंसता जा रहा हूँ। मसान की साधना से स्वभाव थोड़ा उग्र हो गया था, और इसी कठिन परिस्थिति में मसान की मध्य रात्रि में मेरे मन में मात्र एक ख्याल आया कि सभी कहते हैं कि गुरु शिव होते हैं, तो शिव स्वयं गुरु क्यों नहीं। इस ख्याल को मन ने पकड़ा तो जरूर, किंतु मन इन चीजों के प्रति पैदा हुई अश्रद्धा से बाहर नहीं निकला। फिर भी डूबते को तिनके का सहारा, मैंने शिव को गुरु मान तो लिया, लेकिन चोट खाए मन ने 3 शर्तें भी बनाई ताकि फिर चोट ना लगे। पहली शर्त थी कि शिव अगर तस्वीरों के शिव के रूप में मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें अपना गुरु नहीं मानूंगा, क्योंकि मसान में मैंने अशरीरी आत्माओं को शिव के रूप में आते देखा था। दूसरी शर्त थी, यदि शिव किसी व्यक्ति के रूप में आएंगे तब भी वो मेरे गुरु नहीं होंगे, क्योंकि संपर्क में आए अघोरियों योगियों के सानिध्य में मुझे प्रताड़ना मिली थी, मन की मुरादें मिट्टी में मिल चुकी थीं। तीसरी शर्त मैंने अपने स्वभाव के अनुरूप बनाई कि मैं उन साधनाओं क्रियाओं को अब नहीं करूंगा, क्योंकि गुरु बदल लिए हैं। अब जब शिव को गुरु मान लिया है तो वे ही कुछ बताएंगे तो करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। आप माने अथवा ना माने, मैंने नवंबर 1974 में शिव को गुरु बनाया तो ज़रूर था, किंतु शिव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी और ना ही विश्वास था। आखिर मैं करता क्या? मृग तृष्णा से गुजरते पथिक को शाद्वल भूमि भी भ्रम लगती है। मेरे मन को लगा कि शिव का स्वयं गुरु होने का गणित तो कठिन है, ठीक है, लेकिन मन डरा सहमा है था।
विभिन्न प्रकार की साधना मेरे जीवन की आदत बन गई थी और अचानक मैंने सब छोड़ दिया। पुरानी आदत जल्दी नहीं जाती, किंतु संकल्प संकल्प होता है। इसी बीच मैं बिहार सरकार में उप समाहर्ता हो गया। पुरानी आदतें और संकल्प टकराते रहे और मैं चोट खाता रहा। मैंने जिज्ञासा पूछी तो ज़रूर है परंतु आपने जिज्ञासा पूछी तो ज़रूर है परंतु आपका उस मनोदशा से गुजरना कठिन है। यह मेरी सच्चाई है और मेरा ही दुख है, इसलिए मैंने कहा यह अनकही व्याख्या है। मेरा संकल्प था कि शिव गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। मन यह भी समझता था कि शिव शरीर में नहीं है तो वे बोलेंगे कैसे। एक साल का समय बीता। बचपन से मंत्रों का महत्व सुना था, कई प्रकार के मंत्र जपे भी थे, अतएव मन में कहीं मंत्रों के प्रति आकर्षण था। इसके बाद की घटनाओं का सिलसिला मेरे लिए अनुभूत सत्य है, एक यथार्थ है, दूसरों के लिए असत्य और अविश्वसनीय हो सकता है। आया 1975 का नवंबर, मुजफ्फरपुर का तुर्की शिक्षण महाविद्यालय का बड़ा हाता। मेरे पिता बाहर बिहार शिक्षा सेवा के अधीन वहाँ के प्राचार्य। शाम का समय, सुनसान हाते में आम के वृक्ष के नीचे कुर्सी पर मैं बैठा था। मेरे बक्से और कमरे की कुंजी मेरे हाथ में थी, शीतल समीर था। अचानक हवा का एक झोंका आया और मेरी सांस के साथ नमः का प्रवेश हुआ। सांस निकली तो शिवाय निसृत हुआ। अकस्मात अपनी बचपन की भाषा मेरे मुंह से अकबकाहट के कारण निकली, रे रे करे तक खोजत रहनी हो। प्राचार्य के आवास के आंगन में कुछ कर रही मेरी माँ ने दूर से ही पूछा, का भुलाइल रहाल। अकबकाहट में हाथ की चाबी जमीन पर गिर गई थी। माँ की आवाज़ सुनी मैंने अवश्य, लेकिन उत्तर नहीं दे सका। इसी बीच झुककर मैंने घास पर से चाबी उठा ली थी, तब तक माँ ने फिर पूछा। मैंने उत्तर दिया, चाबी गिरल रहल हाँ मिल गई। यह उत्तर बिना सोचा समझा था, इस वाक्य में कोई निहितार्थ नहीं था। प्रारंभ हुआ श्वास प्रश्वास पर औजपा जप। अभ्यास पुराना था, मिला मंत्र नया था, गुरु नए थे। साथ में शुरू हुआ चमत्कारों का सिलसिला। 1975 से लेकर 1990 तक दैवी शक्तियों से संपर्क होता गया, उलझने आती रहीं। मात्र एक घटना आपको बताता हूँ, फिर कहूँगा आपके विश्वास के योग्य नहीं है। सही भी है, जाके पाँव ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मेरे आवास पर वर्ष 1980 से महादेव की एक तस्वीर के सामने अक्सर चमत्कारिक घटनाएं लोगों के समक्ष हुआ करती थी। बड़े अधिकारी भी आते थे और कुछ सामान्य लोग भी। इसका शहर में शोर था। वर्ष 1983 में एक रविवार को मेरे एक सीनियर उम्र दराज दंडाधिकारी मेरे यहाँ आए। उनके साथ उनका अनुसेवक भी था, जो एक थाली में कपड़े से ढक के मिठाई बिस्किट और फल लाया था। मेरे मित्र दंडाधिकारी ने मुझसे कहा, मैं आपके यहाँ महादेव को प्रसाद चढ़ाने आया हूँ। मैंने कहा, यह मंदिर थोड़े है, लेकिन उनकी जिद के सामने मुझको विरोध अच्छा नहीं लगा। मैं सपत्नीक बाहरी कमरे में बैठा। मैंने कहा, जाकर चढ़ा दीजिए। उन्होंने प्रसाद चढ़ाया और आकर मेरे साथ बैठ गए। लगभग 5 मिनट बाद मैंने कहा कि प्रसाद ले आइए। वो लेकर आए। प्रसाद में परिवर्तन था, कुछ और तरह की मिठाइयाँ आ गई थी और बिस्किट का पैकेट बदला हुआ था। उन्होंने प्रसाद का थोड़ा हिस्सा मुझे दिया और मेरे अनुरोध पर भी नहीं बैठे। दूसरे दिन कचहरी थी। मैं संध्या 4 बजे अनुमंडल न्यायालय के उपरांत अपने कक्ष में बैठा था। थोड़ी देर में अनुमंडल पदाधिकारी भी मेरे कक्ष में आए। मेरे कमरे में 4 दंडाधिकारी बैठते थे, जिसमें एक वो भी थे जो कल मेरे आवास पर आए थे। अनुमंडल पदाधिकारी के बैठते ही उक्त वरीय दंडाधिकारी ने कहा कि SDO साहब, हरिंद्रानंद जी कहते हैं कि उनके यहाँ महादेव प्रसाद खाते हैं। मैं कल इनके डेरे पर गया था, ये तो प्रेत पालते हैं। मैं अनुमंडल न्यायालय का कार्य करके आया ही था और इस बात पर मुझको क्रोध आ गया।
मैंने उग्र शब्दों में कहा कि मैं किसी को नहीं कहता कि मेरे यहाँ महादेव प्रसाद खाते हैं। मजिस्ट्रेट साहब तो यह कह रहे हैं कि इनका खाना इनका अनुसेवक खा जा रहा है। मेरे क्रोधायुक्त शब्द लोगों को गवारा नहीं हुए। दंडाधिकारी ने पुनः क्रोध में आकर कहा, आपके यहाँ महादेव प्रसाद खाते हैं तो सिंहेश्वर मंदिर में चलकर प्रसाद खिलाइए। मैंने कहा, सिंहेश्वर मंदिर में भी प्रेत प्रसाद खा सकते हैं? उक्त दंडाधिकारी ने उत्तेजित होकर इसका विरोध किया और कहा कि श्रृंगी ऋषि द्वारा वह शिवलिंग स्थापित है, वहां प्रेत नहीं जा सकते। मैंने कहा, आप गारंटी दीजिए तो चलिए। करीब 4-5 मजिस्ट्रेट कुछ कर्मचारी सिंहेश्वर मंदिर की ओर चले। रास्ते में मिल गए शमशानी मित्र और नेता को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और आवास से पत्नी को भी संग कर लिया। उस समय अनुमंडल पदाधिकारी उस मंदिर के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब अंधेरा होने लगा था। मधेपुरा से सिंहेश्वर मंदिर लगभग 6 किलोमीटर है। मंदिर पहुंचते ही पुजारियों ने घेर लिया। मैंने रास्ते में 20 रुपये के 50 रसगुल्ले मिट्टी के बर्तन में खरीद लिए थे। मंदिर में प्रवेश करते ही मैंने मुख्य पुजारी से थाली का अनुरोध किया। तुरंत बड़ी सी थाली आ गई। मैंने उन्हें ही मिट्टी के बर्तन से रसगुल्ला निकालने को कहा और आग्रह किया कि गिन ले कितने रसगुल्ले हैं। रसगुल्ले गिनती में 50 थे। मंदिर के भीतर बाहर बत्तियां जल रही थी। बिजली की बत्तियों से मंदिर सुहावना और आकर्षक दिख रहा था। मंदिर के भीतर भी कई ट्यूबलाइट जल रहे थे। मैंने पुजारियों से अनुरोध किया, लोग बाहर चले जाएं और पट बंद कर दें। इसका हल्का विरोध हुआ कि भोग के समय पट बंद होता है और भीड़ भी बहुत है। मैंने कहा, आप खिलाएं तो पट बंद और जनता खिलाए तो पट बंद नहीं। आखिर दर्शक और हम लोग बाहर निकले, साथ में सभी पुजारी भी। मंदिर के दोनों पट बंद हो गए। मेरी ओर मेरे साथ एक अन्य पदाधिकारी भी थे और किवाड़ों की फांक से मंदिर का भीतरी हिस्सा तेज प्रकाश में साफ साफ दिख रहा था। प्रसाद की थाली और शिवलिंग सब कुछ, मुझे कुछ आता जाता नहीं था। अपमान और बेइज्जती के भय से मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मात्र 8 साल पहले सांस पर नमः शिवाय आया था, बस घबराहट में मैं नमः शिवाय भूल गया। इस स्थिति में मेरे मुंह से धीरे से निकला, बुढ़ाओ इज्जत रखी हा। बगल में खड़ी पत्नी ने केवल सुना। यह निकला और बिजली चली गई। भीतर बाहर अंधेरा छा गया। उन दिनों मंदिर में जनरेटर नहीं था। पीछे भैरव मंदिर में एक पेट्रोमैक्स जलाकर रख दिया जाता था ताकि बिजली चले जाने पर कम से कम मंदिर के हाते में प्रकाश रहे। बिजली जाते ही मंदिर के व्यवस्थापक ने किसी कर्मचारी को तुरंत पेट्रोमैक्स लाने को कहा। 2 से 3 मिनट पेट्रोमैक्स के आने में लगा। पेट्रोमैक्स की रोशनी जैसे ही मंदिर के पूरब वाले बरामदे में आई, बिजली आ गई। मंदिर के किवाड़ों के फांकों से स्पष्ट दिखने लगा था कि शिवलिंग की अर्घा के पूरब रखी थाल अब पश्चिम जा चुकी थी। पट मात्र 3 से 4 मिनट बंद था। मैं बाहर से ही देख चुका था। मंदिर का दोनों पट खुला। हम लोग तथा दर्शक अंदर आए। मैंने मुख्य पुजारी से रसगुल्ले की गिनती करने को कहा। शेष 35 रसगुल्ले ही बचे थे और वो सभी 2 टुकड़ों में कटे। मैंने रसगुल्ले को मटके में रखने को कह दिया और चुपचाप सपत्नीक मंदिर से बाहर निकल आया। जब चलने लगा, मेरा मन अभी भी विक्षिप्त था। मुख्य पुजारी ने मुझसे कहा, प्रसाद नहीं दीजिएगा? मैंने कहा, शिव का प्रसाद खाने से आदमी दरिद्र हो जाता है। किंतु पत्नी के दबाव में मैंने प्रसाद बांट दिया और सपने सहर्ष ग्रहण किया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटती चली गईं, जो मेरे लिए सत्य थी आपके लिए झूठ। कुछ महीने बाद सहरसा के महिषी तारापीठ में भी अपनी बेहुदा हरकतों से मैं उलझ गया। हुआ ऐसा कि पत्नी ने प्रसाद के लिए पेड़े की दुकान पर पेड़ा खरीदने के लिए एक आदमी को कहा। हम लोग 10-12 आदमी थे। पूछा गया, पेड़ा कैसे? दुकानदार ने बताया, 1 14 रुपये, 1 18 रुपये। मैं वहीं खड़ा था और पूछा, ऐसा क्यों? पेड़े वाले ने कहा कि एक में चीनी ज़्यादा है, एक में कम है। मैंने कम चीनी वाले पेड़े खरीदने को कहा, जो 2 पत्तों वाले दोने में मिली। 8-10 मंदिर के पुजारी भी वहां खड़े थे। मैंने चीनी जांचने के लिए दोने में से एक पेड़ा उठाया
आधा मुंह में खाया, बाकी आधा वापस उस दोने में रख दिया। मैंने मात्र चीनी जांचने के लिए पेड़ा तोड़कर खाया था, किंतु मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि प्रसाद झूठा हो रहा है। वहां खड़े पुजारियों को यह बात बुरी लगी, लेकिन हमारी भावभंगी माँ को देखकर किसी ने कुछ कहने का साहस नहीं किया। मैं भी इस स्थिति से अनजान था, किंतु मंदिर में प्रवेश के साथ ही हंगामा शुरू हुआ। सिंहेश्वर मंदिर की घटना का शोर यहाँ भी था, मामला उलझता चला गया। लाचारी में मैं मामले को शांत करने के लिए सबको छोड़कर मंदिर के बाहर चला आया, क्योंकि झंझट लोग मुझसे कर रहे थे। कोई उपाय नहीं दिखने के कारण अपने साथ आए एक व्यक्ति से मैंने कहा, जाकर मंदिर के भीतर बोलो, भगवती प्रसाद ग्रहण कर लेंगी। लगभग 2 मिनट के बाद पुजारियों का एक दल बाहर निकला और अपनी भाषा में बोले, आप लोग चुप हो जाइए, भगवती ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। उनकी सारी मालाएं टूटकर नीचे आ गई हैं और सारे पेड़े 2 टुकड़ों में टूटे हुए हैं। घटना थोड़ी और आगे चली है, लेकिन छोड़िए, हम लोग वापस आ गए। इस प्रकार कई घटनाएं हैं और मुझको लगने लगा कि सारा खेल तमाशा शिव की दया से है, मंत्रों और क्रियाओं का नहीं। आप पर आपके गुरु शिव अगर प्रसन्न हैं, मंत्र के देवता से आपका सानिध्य है, तो जगत में चमत्कार कोई बड़ी घटना नहीं है। धीरे धीरे मन गुरु की दया पर आश्रित होने लगा। जो 15-20 सालों के अथक प्रयासों से नहीं हो पाया था, वह खेल खेल में होने लगा। फलतः मन में यह संकल्प दृढ़ होता गया कि व्यक्ति के गुरु शिव हो सकते हैं और शिव गुरु के आश्रय में लौकिक पारलौकिक सभी समृद्धियां संभव हैं। मुझे एक असाध्य महामारी की दवा मिल गई थी, तो दवा का प्रचार भी आवश्यक था, अन्यथा लोग जानेंगे कैसे और अध्यात्म में आ गई संक्रांति दूर कैसे होगी। यही मेरे जीवन का लक्ष्य बना कि आम आवाम को भगवान शिव की गुरु सत्ता से जोड़ूंगा। परिणाम तो नियति के हाथ में है, शिव की दया ही अब एकमात्र विकल्प मुझको दिखता है। धीरे धीरे चमत्कार से मन हटता चला गया और जगत को शिव के गुरु पद से जोड़ने का संकल्प दृढ़ होता गया। प्रिय दर्शकों, तो ये थी वरेण्य गुरु भ्राता से प्राप्त मेरी आज की जिज्ञासा का समाधान। ऐसे ही नए नए विषयों पर आपकी जिज्ञासाओं का समाधान वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं हमारे प्रिय मोनू भैया से ढूंढकर आप तक पहुंचाती रहूंगी। अपना ख्याल रखें और आगामी विषयों या शिव चर्चाओं के लिए हमारी YouTube चैनल शिव गुरु चर्चा को सब्सक्राइब करें।